दोस्तों आज की कहानी है लाइव स्ट्रीम का खौफ। अदिति, शिवम, अंजलि और कार्तिक सोशल मीडिया के दीवाने थे। उनकी जिंदगी फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन उन्हें एक अजीब सी वेबसाइट का लिंक मिला, डार्क डेयर। ये वेबसाइट किसी भी तरह की सोशल मीडिया प्रोफाइल से लिंक नहीं होती थी, बस एक लाइव स्ट्रीम चल रहा था जिसमें नकाबपोश शख्स एक के बाद एक खतरनाक चुनौतियां देता था। पहली चुनौती आसान थी, स्कूल की सबसे सख्त टीचर को गुलाब का फूल देना। शिवम ने यह चुनौती पूरी की और उसके लाइव स्ट्रीम पर हजारों लाइक्स आ गए। उस रात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई, हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था, लोग उन्हें डार्क डेयर हीरो कहने लगे। अगली चुनौती थोड़ी मुश्किल थी, रात 2 बजे बंद पड़े कब्रिस्तान में जाना। अंजलि ने हिचकिचाहट के साथ ये चुनौती भी पूरी कर ली, उसके बाद तो जैसे कोई रोक नहीं रहा था। हर चुनौती के साथ खतरा बढ़ता गया। कार्तिक को आधी रात को अकेले भूतिया हवेली में जाना पड़ा, अदिति को सड़क पर चलती गाड़ी से कूदना पड़ा। उनके दोस्त उन्हें रोकने की कोशिश करते पर हर बार उन्हें ये डर सताता कि अगर वो चुनौती पूरी नहीं करेंगे तो उन्हें और उनके दोस्तों को कोई अनहोनी हो जाएगी। धीरे धीरे लाइव स्ट्रीम का माहौल बदलने लगा, नकाबपोश शख्स उनकी जिंदगी के भेद उजागर करने लगा, उनके बचपन की गलतियां, छिपे हुए रिश्ते, सब कुछ सामने आने लगा, उनकी सोशल मीडिया की बनावटी दुनिया ढहने लगी। अब ये चुनौतियां सिर्फ खतरनाक नहीं थीं, बल्कि बेहद शर्मनाक भी थीं। एक रात लाइव स्ट्रीम पर नकाबपोश शख्स ने उन्हें आखिरी चुनौती दी, अपने सबसे अच्छे दोस्त को चोट पहुंचाना। चारों दोस्त सदमे में थे। क्या ये वही जिंदगी थी जिसकी वो तमन्ना करते थे? क्या उनकी सोशल मीडिया की लोकप्रियता उन्हें इतना अंधा बना चुकी थी? अचानक उन्हें समझ आया, ये कोई खेल नहीं था, ये उनकी जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश थी। उन्होंने साथ मिलकर फैसला किया कि वो ये आखिरी चुनौती पूरी नहीं करेंगे। उन्होंने लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। हालांकि डार्क डेयर को कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन वो चारों दोस्त हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली, उन्होंने सीखा कि असली जिंदगी लाइक्स और कमेंट्स में नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती और रिश्तों में होती है।